जय सियाराम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेंद्र। सभी मित्रों का एक बार बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हैं हम यहाँ पर गोल्ड के बारे में, गोल्ड की क्या संभावनाएं हो सकती है उसके बारे में। तो गोल्ड जो है वो काफी लंबी चाल जो है वो ले चुका है, अब आगे का जो है वो अगले वीक में क्या हो सकता है उसके बारे में जो है वो एक बार जान लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं। गोल्ड ने कुछ हाई लगाया है 73,950 के आसपास, 950 के आसपास, तकरीबन तकरीबन 74,000 के आसपास। गोल्ड के अंदर जो हम रेगुलर 10:30 बजे के आसपास जो है वो वीडियो पोस्ट करते हैं, वहाँ पर भी जो है वो हमने 3-4 दिन पहले चर्चा करी थी कि अगर ये 71,450 71,450 ये वाला लेवल अगर काटता है तो फिर सावधान होना, फिर तो कुछ बड़ा ही खेल हो सकता है। तो 2-3 दिन वही लेवल के आसपास रुका और जैसे ही जो है वो निकला वहाँ पर बड़ी तरीके से, तो फिर धमाल कमाल रैली जो है वो देखने को मिली। नीचे में हमने एक सपोर्ट भी चर्चा किया था 70,750 70,750, 3-4 दिन पहले वो लेवल कटा नहीं, सपोर्ट से पहले रेजिस्टेंस कटा और फिर भाग गया। ठीक है, तो ऐसी लंबी तेजी जो है वो हमने देखी। अब आगे का जो नज़रिया है दोस्तों वो बताने की कोशिश करता हूँ। गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। नया ये है कि 500 से 800 पॉइंट की मूवमेंट जो है वो गोल्ड में रेगुलर बन सकती है, ये मेंटली अब थोड़ा हमें प्रिपेयर रखना है, क्योंकि जो हमने 1-1.5 महीने पहले 200-300 350 पॉइंट की जो चाल आती थी, चाल या ऊपर या नीचे कोई भी टॉप टू बॉटम पे अगर हम पकड़ लेते थे तो 200-300 350 पॉइंट की मूव आती थी, वो शायद अब थोड़ा सा स्विच होके 500 से 700 750 800 पॉइंट की रेंज में गोल्ड का कामकाज हो सकता है ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर मैक्सिमम, ये मेरा मानना है। तो ये एक पहली चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखनी है। अब बात कर लेता हूँ पहले सपोर्ट के ऊपर, फिर बात कर लेता हूँ उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। तो सपोर्ट बनेगा दोस्तों 71,775, पहला वाला छोटा वाला सपोर्ट है। एक लक्ष्मण रेखा नोट डाउन जरूर कर लेना जो आपको काम में आएगी, 71,100 के आसपास 71,100 की जो है वो हमारी लक्ष्मण रेखा रहेगी, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा ये ध्यान रखना। अगर ये लेवल 71,100 के नीचे काटते हैं, रुकते हैं नीचे की तरफ, सस्टेन करते हैं और डे क्लोजिंग भी हो जाता है मंडे या ट्यूसडे, ज़्यादा दिन नहीं, 2 ही दिन के अंदर, तो फिर करेक्शन वहाँ से स्पीड पकड़ सकता है। अगर वो लेवल नहीं काटता है तो वहाँ से एक बार के लिए बाउंस भी तगड़ा वाला देखने को मिल सकता है। बाउंस की बात कर रहा हूँ, अभी कोई तेजी की बात नहीं है क्योंकि तेजी तो ऑलरेडी हो चुकी है बड़ी वाली। तो अब जो भी आएंगे वो उछाल आ सकते हैं, फिर जैसे जैसे चीज़ें खुलेगी वैसे वैसे हम जो है वो जुड़ते रहेंगे, आपके साथ बात करते रहेंगे। मंडे टू फ्राइडे भी वीडियो आता है, वहाँ पर भी जो है वो डिस्कशन करते हैं। लाइव क्लासेस है दोस्तों, वहाँ पर भी चर्चा करते हैं। रेगुलर जो है वो हफ्ते में 2 बार जुड़ते हैं 3 महीने तक, और लाइव क्लास की खासियत है दोस्तों कि अगर आप मान लो कि ना जुड़ पाए तो उसका वीडियो भी बन जाता है 1-2 घंटे के बाद, जब भी आप फ्री हो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है ना बाय का ना सेल का, लेकिन ये जो चाल चल रही थी वहाँ पर हमने 68,950 का एक लेवल दोस्तों चर्चा किया था लाइव क्लासेस के अंदर, कि ये अगर मोटा मोटी राउंड फिगर 69,000 की, अगर ये 69,000 काट देता है तो वहाँ पर जो है वो चर्चा करी थी कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, हो सके तो शॉर्ट मत करना, और अगर कुछ ज़्यादा जरूरी ना हो तो भी शॉर्ट मत करना। 69,000 ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 15 दिन पहले का ही लाइव है दोस्तों, और उसका प्रूफ चाहिए तो लाइव क्लास के अंदर डेट के साथ, नीचे सेकंड के साथ, समय के साथ देखने को मिलेगा, पूरा रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो 69,000 से लगभग 74,000 तकरीबन 5,000 पॉइंट की रैली जो है वो वन वे डायरेक्शन में हमने देखी है, वहाँ पर चर्चा भी किया था। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अगर आप जुड़ते हो और अगर आपने लॉस ना किया तो भी वो आपका प्रॉफिट ही माना जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो हमें यही ध्यान रखनी है कि कम से कम हम लॉस ना करें, बस मेरा लाइव क्लास करने का मतलब मनसा यही है कि लॉस से बचो, प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट आ ही जाएगा, लॉस नहीं होगा, गलत सौदे कम होंगे तो बेनिफिट है। ठीक है, तो लक्ष्मण रेखा हो गई 71,100 की, उसके नीचे काट के रुकता है तो फिर ये गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है, ये एक ध्यान रखना। ऊपर का रेजिस्टेंस बता देता हूँ, रेजिस्टेंस है 72,272,200, ये लेवल अगर ऊपर काट के रुकता है तो फिर थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऊपर जा सकते हैं, फिर 72,650 73,175 ये कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि ये 72,200 ऊपर काट देता है, 72,600-700 गया, 73,000 के आसपास गया, फिर वहाँ से जब ये पलटे और पलटने के बाद वही पुराना वाला लेवल काट के 2-3 घंटे रुक जाए तब हमें अलर्ट हो जाना है, फिर हमें ये हम मान सकते हैं कि यहाँ से ये करेक्शन और बढ़ सकता है। तो बाउंस में कैसे प्ले होता है उसका भी आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, हो सके तो क्वांटिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखना, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और लाइक का बटन भी दोस्तों दबाते रहो, इतना जो है वो आपके लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ, तो लाइक तो जो है वो डिजर्व करता हूँ, तो वो आप लाइक का बटन जो है वो दबाते रहिए, सीखते रहिए, समझाते रहिए। लाइव क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कुछ चर्चा होगी तो अगले वीक के अंदर वीडियो में भी बात करेंगे, तो ये वीडियो में यहाँ पर करता हूँ पूरा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी चर्चा करिए वो एजुकेशन के लिए, मार्केट को सीखने और समझने के लिए, इसके ऊपर आप ट्रेड करो उससे पहले आप भी अपने साइड पर ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन कर लीजिए कि जो मेरा टेक्निकल समझ था, जो मेरा एनालिसिस था, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है।
ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।